सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखें और वीडियोस देख करके काम पूरा करें। बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर आप सभी का कक्षा एक हिंदी में स्वागत है। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 19। बच्चों, पाठ 19 में हम अह का चिन्ह पढ़ रहे थे। अह, अ और अ के साथ दो बिंदी, यह है अह का चिन्ह। और अह क्या है? ध्वनि है। तो हम अह को उसकी ध्वनि से पहचानते हैं। और अह में हम किसी भी में जो दो बिंदी होता है इसे हम विसर्ग कहते हैं। और इसे हम किसी भी वर्ण के पीछे लगा करके इसका उच्चारण करते हैं। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ह की ध्वनि हमें सुनाई देती है। और इसी मात्रा या चिन्ह से संबंधित हमारा अगला पाठ है नमः। नमः पाठ का नाम है नमः। बच्चों, नमः का मतलब होता है नमस्ते, यानी नमः का मतलब होता है नमस्ते। जब हम किसी को नमस्ते करते हैं उसी नमस्ते को हम संस्कृत में नमः कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था बच्चों कि जो ये विसर्ग वाले शब्द होते हैं या फिर अह के चिन्ह वाले शब्द होते हैं, इनका प्रयोग ज़्यादातर हम संस्कृत भाषा में करते हैं। हिंदी में इसका बहुत कम प्रयोग होता है। मतलब कि जहाँ अगर हम इसका प्रयोग भी करते हैं तो वो संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं। तो हम अंग्रेजी में भी कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हिंदी में भी हम कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से हम हिंदी में कुछ संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। तो जो भी अह की मात्रा वाले शब्द होते हैं वो संस्कृत शब्द ही होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस पाठ में हमने जो शब्द अभी भी तक पढ़ा है उनको यहाँ लिखते हैं। कल मैंने आपको इनका अर्थ भी समझाया था, आज हम इन्हें लिख करके एक बार पढ़ने का अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हैं, हम उसे भी करेंगे और अभ्यास दिया गया। फिर उसके बाद कल जब अगला वीडियो हम करेंगे तो उसमें हम कुछ बाहर के शब्दों को लिख करके उनका भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जो कल हमने शब्द पढ़े थे, सबसे पहले है यहाँ पे है हमारे पास अतः, अ और त पे दो बिंदी, अतः। यहाँ हमारा शीर्षक है बोल बोल कर पढ़ो। पहले हम चलिए लिख लेते हैं ब पे ओ की मात्रा, बोल 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 कर, कर कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो। तो जो भी शब्द हम लिख रहे हैं इनको हम बोल करके पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास है पहला शब्द अतः, अ और त, अतः, अ और त बिंदी, अतः। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द हमारी पुस्तक का है, वो है पुनः, प पे छोटे की मात्रा, पु न पे दो बिंदी, पुनः, ये है पुनः। पुनः के बाद हमारे पास तीसरा शब्द है अंततः, अ पे बिंदी, अंततः, ये है अंततः, इसे हम कहेंगे अंततः। उसके बाद हमारे पास है फलतः, फ ल त के साथ दो बिंदी, फलतः। उसके बाद हमारे पास अगला है मूलतः, 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 मूलतः। के बाद हमारे किताब में अगला जो शब्द दिया है वो है शनै, श न पे ए की मात्रा, नै ह, शनै, ये है शनै। उसके बाद है संभवतः, स पे बिंदी, भ व त ह, संभवतः। उसके बाद हमारे पास आखिरी शब्द है परिणामतः, प री नाम म तह। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और शब्द है जो है न म ह, नमः। उसके बाद छह, एक शब्द हम लिख सकते हैं छह, फिर हम लिख सकते हैं प्रातः, प्रातः। उसके बाद हम लिख सकते हैं दुख, दुख, यहाँ पे द के बाद है दुख, दुख, दुख है। उसके बाद क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः। उसके बाद हमारे पास और शब्द है, कुछ और शब्द हम देख सकते हैं, शनै हम लिख चुके हैं, नमः लिख चुके हैं,
अंततः मूलतः चले। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हमने यहाँ लिखा और अह की के चिन्ह को लगा करके इन शब्दों को लिखना और पढ़ना जाना। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह इन शब्दों को हम पढ़ते और लिखते हैं। तो बच्चों इन शब्दों को चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इन शब्दों को लिखते हैं। हम जैसे बाकी मात्राओं को लगाते हैं वैसे इस चिन्ह को भी लगाते हैं, लेकिन इसका उच्चारण अलग होता है। तो उच्चारण में जब हम इसको पढ़ते हैं किसी भी वर्ण के साथ मिला करके, या सिर्फ एक वर्ण में लगाते हैं या दो वर्ण को मिला करके शब्द बनाते हैं, तो जब भी हम उसे पढ़ते हैं तो ह की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि ये हो गया अतः, अ, तह, पुनः, अंततः, फलतः, मूलतः, शनैः, संभवतः, परिणाम, परिणामतः, यहाँ एक लाइन भी होगा, नमः, छः, प्रातः, दुख और क्रमशः। इस तरह से बच्चों इन शब्दों को हमने यहाँ लिखा और इन सभी के शब्द के अर्थ हम देख लेते हैं। तो कल भी हमने पढ़ा था इन शब्दों को, एक बार हम पढ़ते हैं। अतः, अतः का मतलब है इस तरह से, पुनः यानी दोबारा, फिर से, अंततः यानी आखिर में, आखिरकार जिसे हम कहते हैं, फलतः किसी का परिणाम स्वरूप, किसी के फल स्वरूप, मूलतः, मूलतः मतलब असल में या ओरिजिन जिसे कहते हैं, ओरिजिनल या मूलतः मूल रूप में। उसके बाद हमारे पास है शनैः, शनैः का मतलब धीरे, संभवतः जहां संभावना हो, संभावना जहां हो या फिर जहां उम्मीद हो वहां संभवतः शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद परिणामतः किसी चीज के परिणाम स्वरूप या ऐसा रिजल्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद नमः यानी नमस्ते, छह यानी छे, प्रातः यानी सुबह, दुख यानी कष्ट आप समझ सकते हैं, क्रमशः यानी क्रम से। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पढ़ा और उनके बारे में उनके अर्थ को समझा। चलिए एक बार फिर हम इसे बोल करके पढ़ते हैं। अतः, पुनः, अंततः, फलतः, मूलतः, शनैः, संभवतः, परिणामतः, नमः, छः, प्रातः, दुख और क्रमशः। तो इन सभी शब्दों को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और बोल बोल करके पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो अगला अभ्यास है, यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमें बिंदियों के रूप में लिखे हैं और इनको देने का अर्थ ये है कि हमें इनको पढ़ करके मात्रा लगाना, लगा करके वर्ण को लिखना सीखना है और उसके अर्थ को समझना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगला अभ्यास लिखो, ल पे छोटी की मात्रा, ख पे ओ की मात्रा, लिखो। लिखो में हमारे पास जो पहला वर्ण है वो है त, तो हम त पे मात्रा लगाएंगे। त पे जब हम दो मात्रा यानी कि इस तरह से चिन्ह लगाएंगे, त वर्ण है उसके बाद में दो बिंदी लगाएंगे यानी यह चिन्ह विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, तो हम इसे तह पढ़ेंगे, तह। चलिए हम तह से शब्द भी बना सकते हैं, तह से प्रातः हमने शब्द बनाया, प्रातः ये बना प्रातः। उसके बाद दूसरा हमारे पास है, दूसरा है नह, नह, नह हो गया आपके किताब में सिर्फ हमें बिंदियों को जोड़ना है और उसको पढ़ना है, तो ये हो गया नह, नह। उसके बाद हमारे पास है मह, म और म के साथ दो बिंदी, ये है म। उसके बाद हमारे पास है अतः, अ और त पे दो बिंदी, अतः। उसके बाद आखिर में हमारे पास जो शब्द यहां दिया गया है वो है नमः, न म ह नमः। तो यहाँ पे कुछ शब्द भी दिए हैं, मतलब कुछ वर्ण दिए गए हैं जिसके साथ हमें इस बिंदी को लगाना था, इनके बाद इन दो बिंदियों को लगाना था यानी विसर्ग लगाना था, यानी अह की ध्वनि वाले चिन्ह को लगाना था और उसके बाद इन्हें पढ़ना था और समझना था। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो बिंदियों द्वारा आपकी किताब में दिए गए हैं, आप उसके ऊपर से लिख करके उनको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो ये हो गया तह, नह, मह,
अतः नमः और प्रातः, तः नः मः अंततः नमः प्रातः, तः नः मः अतः नमः और प्रातः। तो ये कुछ वर्ण थे और शब्द थे, वर्ण और शब्द हमने लिखे और इसको पढ़ करके पढ़ना और लिखना दोनों सीखा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ वाक्य भी हैं, उसे भी हम लिख करके समझते हैं। तो वाक्य हमारा है पढ़ो, इन वाक्यों को लिख करके हमें पढ़ना है। पढ़ो पढ़ो। अब पढ़ो में हमारे पास क्या है, पढ़ो में पहला जो वाक्य यहाँ दिया हुआ है वो है, पढ़ो में जो हमारा पहला वाक्य दिया है वो माता पिता को नमः करो। माता माँ तो पे आ की मात्रा ता, पिता क पे छोटी की मात्रा, तो पे आ की मात्रा पिता, क पे उ की मात्रा को, न म और दो बिंदी नमः, क र पे उ की मात्रा रो, माता पिता को नमः करो। तो पहला वाक्य है माता पिता को नमः करो। तो हमने नमः शब्द जो न म और दो बिंदी आखिर में, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं, अह की का चिन्ह भी कहते हैं, लगा करके शब्द बनाया, माता पिता को नमः करो, मतलब माता पिता को नमस्कार करो या नमस्ते करो। उसके बाद दूसरा है अंततः, अपे बिंदी अ पे बिंदी त और त पे के बाद दो बिंदी अंततः, अंततः पाठ समझो, कॉपे आ की मात्रा ठ पाठ, स म झ पे ओ की मात्रा झो, अंततः पाठ समझो, मतलब पाठ पढ़ने के बाद अंततः आप उसे समझो। तो किसी भी चीज को पहले हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम उसको समझते हैं, तो यहाँ पे अंततः पाठ समझो। तो यहाँ पे एक और अह के चिन्ह का शब्द है। उसके बाद हमारे पास अगला है पुनः पाठ पढ़ो, उसके बाद हमारे पास है शनैः शनैः पाठ पढ़ो, मतलब पहले हम लिखेंगे शनैः शनैः पाठ पढ़ो, सॉरी छूट गया। तो पहला शब्द है शनैः, श न पर की मात्रा शनैः, शनैः श न पे ए की मात्रा दो बिंदी शनैः शनैः पा और ठ पाठ, शनैः शनैः पाठ पढ़ो, प ढ पे ओ की मात्रा ढो पढ़ो, शनैः शनैः पाठ पढ़ो। उसके बाद हमारे पास है अंततः पाठ समझो, अंततः पाठ प पे आ की मात्रा पाठ पाठ, स म झ पे ओ की मात्रा झो, अंततः पाठ समझो। तो अगला है अंततः पाठ समझो, यहाँ शनैः शनैः है, यहाँ पे अंततः है। उसके बाद हमारे पास है अंततः के बाद हमारे पास है पुनः पाठ याद करो, फिर हमारे पास है पुनः पाठ याद करो, याद याद क और रपयों की मात्रा रो, अंततः पुनः पाठ याद करो। अब इसको हम पढ़ के समझते हैं, यहाँ में क्या कहने को कहा गया है, यहाँ में कहा जा रहा है कि सबसे पहले माता पिता को नमः करो, यानी कि माता पिता को नमस्कार करो या नमस्ते करो। उसके बाद शनैः शनैः यानी धीरे धीरे पाठ पढ़ो, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे पाठ पढ़ो, अंततः अंत में पाठ समझो, पाठ पढ़ने के बाद अंततः आप पाठ को समझो, पुनः यानी दोबारा पाठ याद करो और फिर से यानी एक बार फिर आप पाठ को याद करो। तो ये कुछ वाक्य है जिसमें हमने ने विसर्ग का प्रयोग किया है, यानी कि अह की ध्वनि या अह के चिन्ह का प्रयोग किया है, और अह के चिन्ह के साथ हम किस तरह से शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं और उसका सही सही उच्चारण करते हैं, यहाँ पे हमें करना और लिखना बताया गया। तो बच्चों जो भी आज हमने किया आप उसे अपने क्लास को कॉपी में लिखेंगे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी किताब में दिया गया है, कल हम कुछ और वाक्यों को लिखेंगे, उन वाक्यों को आप अपने क्लास को कॉपी में लिखेंगे। तो इनको आप अपने क्लास को कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप इनको इसलिए क्लास को कॉपी में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो पहले से आपकी क्लास को कॉपी में आपकी किताब में दिया हुआ है।
कल हम कुछ और वाक्यों को लिखेंगे या कुछ और मतलब अह के चिन्ह वाले शब्दों को का प्रयोग करके पाठ वाक्य बनाएंगे और उनको अपनी क्लास में कॉपी में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना। आपको इन्हें याद करना है, मतलब पढ़ना है, पढ़ने का अभ्यास करना है। और अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।